Hey, स्वागत है आपका। मैं शेख राकेश, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रैन प्राइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका टीचर हूँ या इंस्ट्रक्टर हूँ। इस चैनल पर फिलहाल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास चल रहा है। आज के क्लास पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को आप डाउनलोड करोगे और उसे आपके अपना कंप्यूटर पर इंस्टॉल करोगे। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर पे गूगल सर्च इंजिन को ओपन कर लेना पड़ेगा। मैंने क्रोम ब्राउजर पर गूगल सर्च इंजिन को ओपन किया और यहाँ पे डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर लिख के सर्च किया है। इसे लिख के सर्च करने के बाद पहला जो लिंक दिखेगा उस लिंक पर आपको उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको लिंक दिखेगा। ये जो पेज है, ये पेज पर आपको डाउनलोड यहाँ पे दिख रहा है। डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके स्क्रीन पर। देखिए मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। मेरे कंप्यूटर पर ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड पर क्लिक नहीं करूँगा, कैंसिल पर क्लिक कर दूँगा, इससे कैंसिल कर दूँगा। लेकिन आप सेव करोगे तो डाउनलोड पर सेव होगा। आपको सिर्फ अपना लोकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन दिख रहा है डाउनलोड पर, मतलब सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेव करना है तो आप सेव करोगे। वरना आपको लोकेशन चेंज करना है तो यहाँ से आपका कोई भी ड्राइव या डायरेक्टोरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह मैं सिंपली इसे क्लिक कैंसिल कर दूंगा। क्यों? ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर पर डाउनलोड है इसे। कैंसिल, ब्राउज़र को हम मिनिमाइज कर लेंगे और फिर हम दिस पीसी को या फिर माई कंप्यूटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसे ओपन कर लेंगे। फिर मैं चलूँगा डाउनलोड फोल्डर पर या डायरेक्टोरी पर। अच्छा, पहले आपको क्लियर कर दूँ ये डायरेक्टोरी और ड्राइव होता क्या है। देखिए, अगर आपका एक घर है या बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रूम है, लेकिन मल्टीपल चार पांच रूम है, जैसे कि आपका बेडरूम हो गया, किचन हो गया, डाइनिंग हो गया, ऐसे करके सेगमेंट है, लेकिन आपका पूरा जो बिल्डिंग है उसे बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर हम जितना पार्टीशन करेंगे, एक एक पार्टीशन को हम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह आप अगर एक घर बनाते हो उसे घर बोलते हो या फिर बिल्डिंग बोलते हो, ठीक इसी तरह हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन को हम ड्राइव बोलते हैं। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रूम हम बनाते हैं उसे हम रूम बोलते हैं, कोई रूम को बेडरूम नाम देते हैं, किसे फिर हम डाइनिंग बोलते हैं, किसे फिर किचन बोलते हैं, तो अलग अलग सेपरेशन करते हैं, सेपरेट रूम बनाते हैं, ठीक इसी तरह आपके ड्राइव के अंदर आप जितना पार्टीशन करोगे उसे फोल्डर या डायरेक्टोरी बोलते हैं, राइट। अब हम डाउनलोड फोल्डर या डायरेक्टोरी पर हम चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर का जो फाइल मैंने डाउनलोड किया था वो है। देखिए ए वाला फाइल आपको डाउनलोड होगा, रेयर फाइल, ठीक है, जिप फॉर्मेट पर आपको डाउनलोड होगा। आपको इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर पर विनरार इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर पर विनरार है तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह आपको देखेगा, इसको डबल क्लिक करो, ये ओपन हो चुका। यहाँ पर देखिए आप सेटअप नाम का एक फाइल है, एप्लीकेशन फाइल। एप्लीकेशन फाइल क्या होता है मैं वो आपको बाद में समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा मैं, लेकिन सेटअप नाम का एक फाइल है, इसे जस्ट डबल क्लिक करना है आपको। फिर देखिए प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, ये डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है और टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर इंस्टॉल हो रहा है। नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट, इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन चल रहा है, ओके। फिनिश, इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे। देखिए आपके डेस्कटॉप पर, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर का आइकॉन आ चुका है, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे।
एक स्क्रीन अपीयर हुआ है, यहाँ पे आपको स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस दिख रहा है, क्लिक करेंगे इस पर, कंपाइलर आपका खुल चुका है। सिंपली यहाँ से मैं फाइल, फाइल से न्यू पर जाऊँगा और इसे इस अप एरो की पर क्लिक करके इसे बड़ा कर दूँगा। ये जो आप ब्लू स्क्रीन देख रहे हैं ये कंपाइलर है। इस कंपाइलर पर कुछ आपको मेनू दिख रहा है, कंपाइलर मीन्स टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। यहाँ पे कुछ मेनू आपको दिख रहा है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट ऑप्शन, विंडोज हेल्प। इन सारे मेनू का अलग अलग काम है, वो काम मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझाऊंगा कैसे एक फाइल को सेव करते हैं। मतलब आप शायद वर्ड पर कोई फाइल बना के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई फाइल बना के सेव किया है, एक्सेल पर कोई फाइल सेव किया है, या फिर फोटोशॉप पर किया है, ठीक उसी तरह आपको टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर पर आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखोगे, लिखने के बाद उसे सेव करना पड़ेगा। कैसे हम सेव करते हैं? हम सिंपली फाइल मेनू से जाके सेव पर क्लिक कर सकते हैं या फिर F2 की प्रेस कर सकते हैं। ओके, मैंने F2 की प्रेस किया। यहाँ पे देखिए एक पाथ दिख रहा है, PATH पाथ, मतलब सी ड्राइव, C:\, मतलब ये फाइल जो सेव होगा सी ड्राइव के अंदर सेव होगा। सी ड्राइव के अंदर कहाँ पे? टर्बो C3 करके एक डायरेक्टोरी है, यानी कि फोल्डर है, उसके अंदर बिन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपका फाइल सेव होगा। noname.cpp, मतलब मैंने अभी तक कोई भी नाम नहीं दिया है इसलिए noname.cpp दिख रहा है, नो नेम, लेकिन .cpp क्यों? इसलिए .cpp बाई डिफॉल्ट और C++ प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम इसने ले लिया है, लेकिन सी प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम है .c। जैसे कि फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .psd, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है .doc, कोई PDF फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .pdf, कोई प्रेजेंटेशन फाइल का मतलब पावरपॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .ppt। सिमिलर सी प्रोग्राम फाइल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है .c। ओके, .c मतलब इससे हम एक्सटेंशन नेम से हम फाइल टाइप समझेंगे। मान लीजिए आपका टाइटल जैसा क्या है, कईयों का टाइटल होता है रॉय, पंडा, भटनागर, बिंद्रा, ठीक उसी तरह हर एक फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। ओके, अभी हम इसे इरेज करके एक नाम दे देंगे, कोई भी एक नाम हम दे देंगे, मैंने राकेश लिखा है, अपना नाम ही लिख दिया है .c। .cpp क्यों नहीं दिया? क्योंकि cpp आपका C++ प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन नेम है, इसलिए मैंने .c दिया है। अब इसे हम सेव कर लेंगे, सेव कर लिया है, लेकिन प्रोग्राम पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। चलिए आप कंपाइलर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और विंडोज एक्सप्लोरर पर जाके देखते हैं कहाँ पे ये फाइल सेव हुआ है। यहाँ पे तो मैंने पाथ क्या दिखा था, सी के अंदर टर्बो C3 और बिन के अंदर मैंने फाइल को सेव किया था। विंडोज एक्सप्लोरर पर जाके अभी देख लेते हैं क्या हुआ है। दिस PC को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सी ड्राइव पर गए हैं, सी ड्राइव पर टर्बो C3 और वहाँ पे बिन। देखिए बिन के अंदर मैंने जो फाइल सेव किया है वो दिखा कि नहीं, देखते हैं कहाँ पे फाइल है बिन के अंदर। ये देखिए टाइप क्या दिख रहा है, सी, मतलब फाइल टाइप सी, सी प्रोग्राम फाइल। ओके, इसे ओपन कर लेंगे, ब्लैंक ब्लैंक है। अब देखिए मैं कंपाइलर को क्लोज कर दूंगा, कंपाइलर को क्लोज कर दूंगा। अब मैं सिंपली नोटपैड पर एक प्रोग्राम, मतलब यहीं पे, मतलब फाइल, मैंने फाइल नेम जो सेव किया था rakesh.c उसे ओपन किया है, इस पर मैं कुछ लिखूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा, फिर कंपाइलर से उसे ओपन करूंगा। क्या लिखूंगा, एक सिंपल सा प्रोग्राम अभी लिख लेते हैं फटाफट से।
सेव हो चुका है। नोटपैड फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, मतलब विंडोज एक्सप्लोरर पर बीन फोल्डर पे मैंने राकेश डॉट सी नाम का फोल्डर को ओपन करके यहाँ पे कुछ एडिट किया है और इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर हम टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को खोल लेंगे। अच्छा, अब फाइल से हम ओपन पे जाएंगे या फिर F3 पे, कीबोर्ड का F3 की पर हम प्रेस कर सकते हैं ओपन। देखिए यहाँ पे मेरे को फाइल दिख रहा है राकेश डॉट सी, इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखिए मैंने वहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ से ओपन किया दिख रहा है, मतलब दोनों फाइल एक ही है। लास्ट वाला प्रोग्राम पे मैंने आपको समझाया था हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, मेन क्या है, वॉइड क्या है, सीएलआर सीआर का काम क्या है, गेट सीएच का काम है। अगर आपको लास्ट वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, ऊपर आई बटन पे लास्ट वाला क्लास का लिंक दिया होगा। और हाँ, मैंने जो टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड किया है उस डाउनलोड का लिंक अगर आप गूगल सर्च पे नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ओके, फिलहाल के लिए ऊपर आई बटन पे आप अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो वो लिंक है, वो देख लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, टाइम निकालना पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दावा है आपसे, अगर आप पूरा सीरीज फॉलो करोगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप मास्टर बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, ये मेरा दावा है। मैं सिर्फ सी प्रोग्रामिंग नहीं सिखाऊंगा, सी के बाद सी प्लस प्लस, जावा, PHP और भी काफ़ी चीज़ सिखाऊंगा। इसके साथ साथ कैसे आप अर्न कर सकते हैं, आप जो स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स आप यहाँ से लेंगे, लेने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, या फिर और भी काफ़ी सोर्स है ऑनलाइन अर्निंग करने का, कैसे आप अर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। इस प्रोग्राम पे मैंने जो लिखा है उसे अगले क्लास पे समझेंगे। और हाँ, इस प्रोग्राम पे कुछ एरर है, वो एरर क्या है, क्यों एरर आया है, मैंने जानबूझकर एरर किया है इस पे, ये एरर क्या है, क्यों एरर आया है, वो मैं अगले क्लास पे आपको बोलूँगा। फिलहाल अगर आपको थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप खुद से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, देखिए प्रोग्राम पे कहाँ पे एरर है, एरर क्या एरर है। अगर आप नए हैं, आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आप खुद से सर्च कर सकते हैं, या फिर कुछ बुक है आपके पास सी प्रोग्रामिंग का, आप थोड़ा सोचिए यहाँ पे एरर क्या है। मैं अगले क्लास पर मैं डिस्कस करूँगा, मैंने ये प्रोग्राम पे इंट लिखा है, इंट के साथ कुछ a=10, b=20, c=0 ये क्यों लिखा है, और फिर मैंने उसके अगले लाइन पे मैंने कुछ एडिशन किया हुआ है, तो प्रिंटेप के अंदर %d यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, और यहाँ पे गलती मैंने क्या किया है जानबूझकर, वो मैं आपको अगले क्लास पर समझाऊँगा। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर के वजह से कोई ज़रूरतमंद का हेल्प हो जाए, हो सकता है आपके जान पहचान पर, आपके नियर एंड डियर वन पे कोई है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसे हेल्प हो जाएगा ना। सो, बने रहिए, वेट कीजिए अगले क्लास का। फिलहाल के लिए अलविदा, थैंक यू।